मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, अन्य सभी महानुभाव, देश को समर्पित करने का टाइम आ गया था और आज सुबह पे हाथ लगाने लग गया था। पूर्व दिशा का हमारी संस्कृति और परंपरा में क्या महत्व है, ये आप भी भली भांति जानते हैं, देश भी भली भांति जानता है। पूर्व में भी, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट का तो पाक्यो भेंट करता हूं। आज का ये दिन सिक्किम के लिए तो ऐतिहासिक है ही, देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खुलने के बाद पूरे हिंदुस्तान में 100 एयरपोर्ट्स काम करने लग गए हैं और इस अर्थ में देश ने आज सेंचुरी लगाई है। और देश कैसे बदल रहा है, ये हमारा सिक्किम फुटबॉल सेंचुरी लगाई, अगर सिक्किम जो फुटबॉल खेलता था वहां का निलेश सेंचुरी लगाता क्रिकेट में, पहला सिक्किमवासी सेंचुरी लगाने वाला बनता है, तो यहां का एयरपोर्ट देश की सेंचुरी का शतक यहां पूरा कर रहा है। भाइयों और बहनों, ये एयरपोर्ट होती थी, ये यहां के लोग भी जानते हैं और यहां आने वाले लोग भी जानते हैं। पहले पश्चिम बंगाल के बागडोरा तक हवाई जहाज से उतरो, फिर वहां से करीब 125 किलोमीटर तक के ऊंचे नीचे रास्ते पर 5-6 घंटा थका देने वाला सफर, और तब जाकर के गंगटोक पहुंच पाते थे। लेकिन अब पाक्योंग एयरपोर्ट इस थका देने वाली दूरी को और इसलिए इस एयरपोर्ट को उड़ान योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत 1 घंटे तक के सफर के लिए 2500-2600 रुपये तक ही मनी, सुनते हैं ना, टाइम इज मनी, हवाई जहाज में जाने से टाइम बचता है, मतलब मनी बचता है। यही कारण है कि देश के लाखों मध्यम वर्ग के परिवार आज हवाई यात्रा करने में सक्षम हुए हैं। मैं देश के दूसरे हिस्सों और पड़ोसी देशों को भी यहां से कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, पाक्योंग एयरपोर्ट न सिर्फ सुंदरता बल्कि हमारे, आपने देखा आज हुआ है, लेकिन लोगों ने इसका जय जयकार लगातार शुरू कर दिया है। 550 करोड़ की लागत से बना ये एयरपोर्ट हमारे इंजीनियरों, कामगारों, उनकी क्षमता का एक गौरवपूर्ण पहलू है। कैसे पहाड़ों को काटा गया हाल है। आज इस अवसर पर मैं एयरपोर्ट की प्लानिंग और निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स, सभी श्रमिकों को इस अद्भुत कार्य के लिए हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी ने वाकई कमाल करके दिखाया है।
भाइयों और बहनों, सिक्किम को के विकास की जानकारी लेने के लिए रूबरू आया। इतना ही नहीं, हर हफ्ते दो हफ्ते में कोई न कोई केंद्र सरकार का मंत्री नॉर्थ ईस्ट के किसी न किसी राज्य में भ्रमण करता है, आता है।